What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 12th मार्च 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का। एक न्यूज है कोरोना वायरस के बारे में, जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने पैनेडेमिक डिक्लेयर कर दिया, यानी काफी क्रिटिकल सिचुएशन है कोरोना वायरस के मद्देनजर। ये दुनिया भर के 124 कंट्रीज में ये फैल चुका है, और अभी कंट्री वाइज देखें तो कितने केसेस और कितने डेथ्स हो गए ये यहाँ पर दिया हुआ है। और कल अमेरिकी बाजार में तो जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। नासडैक 392 पॉइंट की गिरावट के साथ कल बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो सभी लाल निशान में थे, और आज जब एशियाई मार्केट्स ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी 417 400 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, और लगभग सभी एशियाई बाजार इस वक्त लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर देखे तो 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में काफी प्रेशर बना हुआ है। US ने भी अपने जो ट्रेवल्स प्लान्स है वो सभी कैंसिल कर दिए। चाइना के कई सारे शहर बंद है, तो इसका असर सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर गिरने वाला है दुनिया भर के। तो ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ अगर घटता है तो जाहिर है थोड़ा सा यहाँ पर रिसेशन का सामना हर एक को करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले कल का एनालिसिस का रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 11th मार्च आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,508 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,358। तो जैसे कि आप देख रहे हैं शुरू में, तो ये ओपन होने के बाद जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल था इसका एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसने फेस किया, और इस रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा था। और जैसे इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 10,546 एग्जैक्ट अचीव हुआ है। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, तो काफी एक्यूरेट लेवल साबित हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। टेन लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। जैसे कि ग्लोबल हालात देखे हैं हमने, इस समय काफी क्रिटिकल सिचुएशन यहाँ पर बना हुआ है। अभी हमने यहाँ से जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, इस लो और इस हाई को पकड़ के, तो इसका जो 38.2% का लेवल है 10,289, यहाँ पर इसने ये पॉज लेके रखा हुआ है। तो अगर ये पॉज जो है, ये जैसे कि आज ग्लोबल मार्केट्स के हालात हम देख रहे हैं काफी निगेटिव है इस समय एशियाई बाजार, तो अगर जबरदस्त गैप डाउन ओपन होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा 50% का, जो कि 9,600 के पास है। तो 10,000 का लेवल यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, साथ ही साथ 50 EMA का लेवल भी ब्रेक हो सकता है, तो यहाँ से पैनिक सिचुएशन और ज्यादा गहराती हुई हमें नजर आ सकती है। तो 9,600 का नेक्स्ट सपोर्ट होगा। एक एक करके मेजर सपोर्ट्स निफ्टी इंडेक्स ब्रेक कर रहा है कोरोना की वजह से, और कितने हालात यहाँ से गंभीर बन सकते हैं वो कहा नहीं जा सकता। जल्द से जल्द इसके बारे में एक अच्छी न्यूज आए, सभी प्रिकॉशंस ले कोरोना वायरस की वजह से, जहाँ पर भी ये फैला हुआ है, जहाँ पर भी इसके पेशेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं उस जगह जाना अवॉइड करें। तो यहाँ पर अभी निफ्टी इंडेक्स में ये 50% का नेक्स्ट लेवल होगा सपोर्ट। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में कल इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ, यानी जो परसों का हाई और लो था इसी के बीच में ये ट्रेड हो रहा था, और जो क्लोज था परसों का उसके नीचे आके जस्ट ये क्लोज हुआ है। तो यानी डाउनसाइड ट्रेंड अभी भी यहाँ पर बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 10,000 साइकोलॉजिकल बैरियर था, हो सकता है आज वो बैरियर भी टूटे। देखते हैं कि 10,000 के नीचे सस्टेन करता है या फिर रिकवर होके 10,000 के ऊपर आता है। तो काफी पैनिक सिचुएशन है इस समय, तो प्रेशर्स जो बिगिनर्स है अवॉइड करें। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को भी फाइंड आउट करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे कि पैनिक मूव देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, हो सकता है निफ्टी इंडेक्स भी आज भी गैप डाउन ओपन हो। तो जैसे कि लास्ट 2 डेज हमने एनालिसिस किया था और उसके बाद में काफी नीचे गैप डाउन ओपन हमें देखने को मिला। तो फिलहाल अभी मार्केट
एक ट्रेंड में चल रहा है, यानी डाउन ट्रेंड का पैटर्न ही है, इसे लोअर हाईज और लोअर लो बना के ही है निफ्टी इंडेक्स अभी ट्रेड हो रहा है, यानी पैटर्न यहाँ पर क्लियरली डाउन ट्रेंड का है। तो अगर ये जो पैटर्न है इसका स्विंग हाई लो को पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करे, तो हम आने वाले लेवल्स को यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू यहाँ पर हम ये ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये स्विंग लो और हाई को पकड़े तो आप देख सकते हैं कल एग्जैक्ट इसका ये जो 23.6% का लेवल था 10,354, यहाँ पर इसने एक सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था। तो जैसे कि आज ग्लोबल मार्केट्स के हालात दिखाई दे रहे, तो नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल्स 38.2% का 10,246 के पास आ रहा है, 50% का 10,159 के पास आ रहा है, और 61% जो कि यहाँ पर 10,000 के पास आ रहा है, 10,000 के पास 61.8% का लेवल। तो यहाँ पर अगर नीचे की तरफ ये और टूवर्ड्स चला जाता है तो यहाँ पर ये सपोर्ट के लेवल्स होंगे। देखना होगा गैप डाउन ओपनिंग कितना निफ्टी इंडेक्स आज हमें दिखा रहा है। तो अगर पैनिक सिचुएशन के बाद अगर ये 10,293 के नीचे अगर चला जाता है, ये गैप डाउन ओपन होता है और 10,293 के नीचे चला जाता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इसके नीचे अगर ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करें, लाइव मार्केट में कंडीशंस देख के प्लान बनाना होगा। ये प्री मार्केट प्लान हम बना रहे, अगर 10,293 के नीचे चला जाता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,254, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,220, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ये जो कल का साइडवेज पैटर्न बना था इसका अपर बैंड यानी 10,558 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,593, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,623। तो काफी आज पैनिक भरा दिन हो सकता है, अवॉइड करें आज के लिए ट्रेड करना। सो ये था आज के लिए इंट्राडे लेवल्स एनालिसिस निफ्टी के बारे में। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।